जिला मुख्यालय स्थित उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर के आचार्यों व विद्यार्थियों द्वारा भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2019 की शुभकामना का संदेश आज पंखा चौराहे पर खड़े रहकर नगरवासियों को तिलक लगाकर व प्रसाद देकर किया गया। प्रधानाचार्य शरद कुमार शर्मा ने बताया कि अपना भारतीय नववर्ष धूमधाम से मनाया जाए इस हेतु योजना बनाकर पंखा सर्किल को सजाया गया व विद्यालय स्टाफ के सभी सदस्यों व पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा आने जाने वाले सभी राहगीरों को तिलकार्चन कर नववर्ष का बधाई संदेश दिया गया। वहीं राजल देसर स्थित आदर्श विद्या मंदिर द्वारा भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में आज नगर के मुख्य मार्गों से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान समाज के प्रतिनिधियों द्वारा अनेक स्थानों पर पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। विद्यालय प्रधानाचार्य त्रिविक्रम उपुरुआ ने पुलिस प्रशासन व समस्त अभिभावकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विमल सेवदा, बजरंग सिंह भाटी, उर्मिला स्वामी आदि उपस्थित रहे। भारतीय नववर्ष की आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ। संत झूलेलाल जी का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता है। शक्ति देवी माँ दुर्गा की पूजा हेतु नवरात्रा की स्थापना भी इसी दिन होती है। आज नगर में विद्या मंदिर परिवार द्वारा एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर के प्रबुद्ध जनों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। पुलिस प्रशासन द्वारा हमें बहुत अच्छा सहयोग किया गया, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। चूरू स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर परिवार एवं भारत विकास परिषद की ओर से आज भारतीय नूतन वर्ष विक्रम संवत 2019 धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विद्यालय के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर अपने अपने घरों में दीप प्रज्वलित किए एवं आज सभी आगंतुकों एवं घर घर जाकर सभी के तिलक लगाकर मुँह मीठा करवाया गया एवं नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने बताया कि भारतीय नूतन वर्ष का हम सभी के लिए बहुत महत्व है, क्योंकि आज के दिन भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक व विष्णु जी द्वारा सृष्टि की रचना की गई थी। नवीन वित्तीय वर्ष का आगाज भी इसी दिन से होता है। इस अवसर पर जिला संघ चालक विश्वनाथ गोटेवाला, आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गोस्वामी, आचार्य हितेश पांडे आदि उपस्थित रहे। आज नव वर्ष के रूप में रामनवमी पर ये सभी आने जाने वाले पर तिलक का कार्य किया जा रहा है और मिश्री और नीम की नई कुंपल के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये भारतीय संस्कृति का एक मूल है कि हमारा जो नववर्ष है, हमारा जो नववर्ष प्रारंभ हुआ है, आज के दिन प्रारंभ हुआ है, इसलिए सभी व्यक्तियों को भारत विकास परिषद की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करते हैं इसी तरीके से हर वर्ष ये नववर्ष मनाया जाए, जिसमें लोगों में चेतना जागृत हो। आदर्श विद्या मंदिर परिवार की ओर से भारतीय नूतन वर्ष विक्रम संवत 2079 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन हर चीज में धन धान्य से पूर्ण धरती माता, वित्तीय वर्ष प्रारंभ, शिक्षण की दृष्टि से मार्च में जो परीक्षाएं स्टार्ट होती है वो अप्रैल में परीक्षा खत्म होती है और नया सत्र भी प्रारंभ हो जाता है। और आज ही के दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी की थी और आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी हुआ था, इसलिए ये है दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं सभी भारतवासियों से आग्रह करूंगा कि आज के दिन अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, तिलकार्जन करें और अपने चिर परिचितों, रिश्तेदारों सभी को भारतीय नूतन वर्ष की शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। वहीं रतनगढ़ की स्थानीय श्री संचियालाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर एवं भारत विकास परिषद द्वारा भी घंटाघर के पास आने जाने वाले राहगीरों को तिलक लगाकर एवं प्रसाद खिलाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। साथ ही विद्यालय द्वारा संचालित संत रविदास संस्कार केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा खटीक बस्ती में रैली निकाली गई। इस अवसर पर मदन लाल का माँ सत्यनारायण दर जी, ओम प्रकाश जांगिड़ आदि उपस्थित थे।
चूरू के रतनगढ़ रोड स्थित श्रीमती केसर देवी सोती उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा भी हिंदू नववर्ष आज हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। संकुल प्रमुख प्रधानाचार्य किशनलाल सैनी ने बताया कि विद्या भारती के द्वारा संचालित सभी विद्यालयों में नववर्ष उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसके निमित्त आज विद्यालय स्टाफ द्वारा घर घर जाकर उत्साह, उमंग तथा नई ऊर्जा का संचार करने की मंगल कामना करते हुए शुभकामनाएं दी गयी। वहीं चूरू स्थित बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर द्वारा आज हिंदू नववर्ष के अवसर पर विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई गई तथा एक प्रभात फेरी का आयोजन आचार्य सुनीता शर्मा व पूनम शर्मा के नेतृत्व में किया गया। प्रचार प्रमुख बाबूलाल प्रजापत ने बताया कि प्रभात फेरी को आदर्श शिक्षण संस्थान के जिलाध्यक्ष मदनलाल प्रजापत, स्थानीय समिति के सदस्य रामगोपाल शर्मा, विद्यालय व्यवस्थापक मंगलचंद सैनी आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को भारतीय नववर्ष मनाने का संदेश दिया गया तथा तिलकार्चन और मुंह मीठा करवा कर नववर्ष की बधाई दी गई। चैत्र प्रतिपदा हिंदू नववर्ष की पावन बेला पर आज बालिका प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर चूरू में एक रैली और एक झांकी का आयोजन किया गया, जिसकी रैली को हरी झंडी दिखाई हमारे चूरू जिले के जिला अध्यक्ष श्रीमान मदनलाल जी प्रजापत, हमारे विद्यालय के व्यवस्थापक श्रीमान मंगलचंद जी सैनी, धानुका विद्यालय के व्यवस्थापक श्रीमान निरंजन लाल जी वर्मा और प्रांतीय शिशु वाटिका प्रमुख श्रीमान गोपाल जी पारी एवं राम गोपाल जी भाई साहब। और इस रैली में हमारे मीडिया प्रभारी श्रीमान बाबूलाल जी प्रजापत भी रहे और हमारी बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सुनीता शर्मा, प्रभारी सुमन शर्मा ने भी हरी झंडी दिखाकर रैली को मार्ग प्रशस्त किया और रैली का मार्ग रहा सोती धर्मशाला, बद्रीनारायण मंदिर, उदाल धर्मशाला होते हुए रैली हमारा जहां संस्कार केंद्र चलता है रामदेव मंदिर, वहां पर रैली को विश्राम दिया गया और वहां से रेगर बस्ती कवर करते हुए वापस रैली विद्यालय आई। रैली के अंदर राम लक्ष्मण व वानर सेना के साथ और पूरी रैली आकर्षक रही। महिलाओं ने, अभिभावकों ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया और इस रैली के माध्यम से हमने सभी मोहल्लावासी, सभी संस्कार केंद्र के आसपास के निवासियों को हिंदू नववर्ष मनाने हेतु प्रेरित किया और संध्या में 5 दीपक जलाकर अपने हिंदू नववर्ष को और भी अच्छा और पावन बनाने के लिए आग्रह किया और रैली में दीदियों द्वारा मोहल्लावासियों को प्रसाद वितरण किया गया और जय श्री राम के उद्घोष के साथ रैली का। चूरू स्थित श्री ओंकारमल सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर द्वारा भी आज हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2079 को विद्यालय परिवार ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान प्रधानाचार्य भवनलाल प्रजापत, लालचंद सरवा, रेखा प्रजापत सहित विद्यालय स्टाफ ने ओम कॉलोनी व शिव कॉलोनी में घर घर जाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी एवं तिलकार्चन किया। श्री ओंकारमल सर्राफ आदर्श विद्या मंदिर शिव कॉलोनी चूरू आज हिंदू नववर्ष 2079 की घर घर जाकर मंगल कामना संदेश दिया व लोगों में शुभकामनाओं का संदेश प्रेषित किया। विद्या मंदिर परिवार सभी के लिए आने वाला नववर्ष शुभ एवं मंगलमय हो ऐसी कामना करता है। धन्यवाद। रतनगढ़ में आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्कार केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा भी आज वार्ड संख्या 28 में रैली निकाली गई। इस दौरान सभी को तिलक लगाकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर कृष्णा प्रजापत, मोहनलाल टेलर, उषा टेलर आदि मौजूद थे। संचालित भीमराव अम्बेडकर संस्कार केंद्र में आज नव वर्ष द्वारा रैली निकाली गई है बच्चों की। कहाँ से निकाली गई? वो रामदेव मंदिर से दिग्राज की वक्ता।